सो गाइज, एक और अनदर वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत टाइम से हमारे चैनल पर वीडियो नहीं आ रही, बट अभी आप सभी को पता है समर सीजन आने वाली, यानी कि कूलर, फ्रीज, एसी की डिमांड बहुत ही ज़्यादा होने वाली लोगों के बीच में। तो आज की वीडियो जो हमारी सबसे जो पहली वीडियो है समर से रिगार्डिंग, उसी से रिलेटेड जो कॉन्टेंट है वो है सिम्फनी का मोविकूल का एक एल सीरीज़ का एयर कूलर है। जम्बो साइज़ का एयर कूलर है और बहुत ही शानदार कूलर है। और साथ ही साथ बता दूँ कि ये एक ABS प्लास्टिक बेस्ड कूलर है। आप चाहे तो इसे एज अ टेंट कूलर भी यूज़ कर सकते हैं, बड़े हॉल में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, तो इसका हम फटाफट अनबॉक्सिंग करेंगे और जो भी इसके बारे में डिटेल हमें पता है या फिर इसकी जो स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में आपको डिटेलली आपको पूरा यहाँ पर इस वीडियो में आपको रिव्यू मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को आज की इस वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं इस कूलर के बारे में डिटेल में वीडियो। तो चलिए करते हैं इसको फटाफट अनबॉक्स। काफ़ी बड़ा कूलर है और बॉक्स भी काफ़ी बड़ा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत बड़ी साइज़ का एयर कूलर है और अंदर आपको उतना ही बड़ी साइज़ का आपको कूलर भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए गार्ड है। इसमें नीचे वाला जो इसका जो बेस स्टैंड है वो इसके अंदर आपको मिल जाता है। और ये जो आप देख सकते हैं बड़ा और बिग साइज़ का एयर कूलर है, इसका जो रैपर है इसको हम निकाल देते हैं। पैकिंग काफ़ी अच्छी आती है सिम्फनी की। और यहाँ पर जो मेन आप देखिए, यहाँ पर भी ये अच्छे से प्रोटेक्शन शीट यानी कि थर्माकोल शीट लगी हुई होती है जिससे कि ये डैमेज नहीं हो। और ये फ्रंट वाली जो ग्रिल है, फ्रंट वाला सेक्शन है, यहाँ से ओपन होती है। वैसे ये डस्ट प्रूफ है, अंदर डस्ट जाने की चांसेस बिल्कुल ही कम है, बिल्कुल ही फ्लैटली ये हो जाती है क्लोज। नीचे जो टैंक है लगभग 25 लीटर का ये एयर कूलर है। साइड में आपको मॉस्किटो जो नेट है वो मिल जाती है, यानी कि डस्ट फिल्टर। उसी के साथ साथ आप इजीली इसको क्लीन भी कर सकते हैं बाहर निकाल कर। अंदर आपको हनीकॉम पैड्स देखने को मिल जाते हैं और पूरा डिज़ाइन भी हनीकॉम टाइप ही बना हुआ ऊपर से या फिर पीछे से भी। ऑटो फिलिंग वाला सेक्शन आपको पीछे की साइड में देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आप पाइप लगाकर ऑटो फिल होता रहेगा टैंक वगैरह। बाकी इसका जो अंदर वाला जो ग्रिल आपको मिल जाता है, मेन एरोडायनेमिक फ़ैन है, प्लास्टिक का आपको फ़ैन मिलता है और लगभग ये 20 to 22 inches यहाँ पर आपको फ़ैन मिलता है जो कि एरोडायनेमिक है। एरोडायनेमिक का मतलब ये है कि आपके रूम की जितनी भी जो सफोकेशन वाली एयर होगी वो ये खींच कर आगे की साइड में ये सप्लाई करेगा और एयर बिल्कुल ही ठंडी और चिल्ड आपको देखने को मिलेगी। कितना भी बड़ा एरिया होगा उसको आप इजीली आपको ये कूल करके देगा। इसका जो वायर है उसका भी सेक्शन काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ी वायर है। बॉडी की बात करें तो ABS प्लास्टिक है, फ्लेक्सिबल प्लास्टिक है जिससे कि क्रैक होने के चांसेस और टूटने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। थोड़ा अब हमें क्लोज से बताएंगे नज़दीक से कि इसका जो साइड वाला जो आप सेक्शन देखिए, यहाँ पर ये साइड सेक्शन है, यहाँ पर ये मॉस्किटो फिल्टर यानी कि डस्ट फिल्टर है। इसको आप निकाल कर ईजीली आप इसको क्लीन कर सकते हैं और आप यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर ये हनीकॉम पैड्स है जो कि काफ़ी बेहतर क्वालिटी के हैं। आप सभी को पता है सिम्फनी जो ब्रांड है हमेशा क्वालिटी के ऊपर ही काम करती है। यहाँ पर ये मोविकूल एल सीरीज़ का ये एयर कूलर है। यहाँ पर दो आपको फंक्शन कीज देखने को मिल जाती है, ये स्पीड की है और ये है फंक्शन की। स्विंग भी इसी में मिलेगा और जो मोटर वाला जो कूल सेक्शन है वो भी आपको यहाँ पर मल्टीपल देखने को मिल जाता है। अंदर की साइड में आप देखिए बड़ी साइज़ का ये ग्रिल है, लगभग 22 inches ये ग्रिल होगी। बाहर वाला फ़ैन देखिए, अंदर एरोडायनेमिक फ़ैन है जो कि लगभग 22 inches फ़ैन होगा। कॉपर वाइंडिंग वाली मोटर है। नीचे की साइड में आपको यहाँ पर ये जो आप यहाँ पर वाटर फिल करेंगे उसका जो इंडिकेशन है आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो ये वाला पार्ट है आप देखिए, इसमें आपको स्टैंड मिल जाता है जो कि आप नीचे बेस में नीचे की साइड में आप स्टैंड लगा सकते हैं कुछ इस टाइप से फिटिंग करके। अभी इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम इसको खोल कर आपको फिटिंग करके बताएंगे, बाकी काफ़ी मजबूत स्टैंड है, आपको बाद में बताएंगे इसकी क्वालिटी भी। इस साइड में आपको वही सिस्टम सेम टू सेम मिल जाता है जो आप देखिए यहाँ पर ये लगा हुआ है। और यहाँ पर आप देखिए वाटर फील भी यहाँ से आप कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ से आइस क्यूब भी डाल सकते हैं। इस साइड भी ये सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है और इस साइड में भी आपको वही सेम सिस्टम देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप पानी भी डाल सकते हैं अच्छी खासी, आप यहाँ पर बड़ी बाल्टी से आप इसको रिफ़िल कर सकते हैं। और बात करें पीछे की साइड से,
तो आप देखिए पीछे की साइड में काफ़ी बड़ी साइज़ का यहाँ पर आपको हनीकॉम पैड्स देखने को मिल जाते हैं। मल्टीपल आपको यहाँ पर ये मॉस्कीटो फिल्टर देखने को मिल जाते हैं, यानी कि डस्ट फिल्टर, बाहर वाली डस्ट ये अंदर खींचेगा नहीं और आप इजीली इसको क्लीन भी कर सकते हैं। पीछे की साइड में ओवरफ्लो सिस्टम यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर है ऑटो फिलिंग वाला सेक्शन, जिससे आप पाइप लगाकर ऑटो फिल इसको कर सकते हैं। पानी पूरा टैंक फुल होते ही ऑटोमेटिक ये कट ऑफ हो जाएगा। नीचे की साइड में आपको छोटा सा नोब मिल जाता है जहाँ से आप ड्रेन आउट कर सकते हैं, जितना भी टैंक है उसको आप क्लीन करके साफ़ कर सकते हैं। तो कुछ इस टाइप की बॉडी है, आप देखिए क्वालिटी काफ़ी बेहतर है इस कूलर की। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं ये नीचे के जो बेस व्हील है वो है, और इसकी आप बिल्ड क्वालिटी देखिए, इतनी हैवी मटेरियल बिल्ड क्वालिटी है कि आई थिंक ये टूटने फूटने के चांसेस तो मुझे बहुत ही कम लग रहे हैं। और काफ़ी बेहतर और काफ़ी बड़ी साइज़ का ये व्हील है आप देखिए, और इसका जो बिल्ड क्वालिटी मटेरियल है बहुत हैवी बेस मटेरियल बनाया कंपनी ने। और आपको बता दूँ कि इसकी बहुत ज़्यादा खासियत है, बहुत ज़्यादा इसमें फैसिलिटीज़ है इसकी एयर कूलर की। तो इसका जो बॉक्स है यहाँ पर ही रखा हुआ है, इसके ऊपर जो कंपनी ने डिटेल यहाँ पर मेंशन की है आप देखिए यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आउटडोर इवेंट है, कैटरिंग है, फैक्ट्री है, लार्ज हॉल है, यहाँ पर आउटडोर जो रेस्टोरेंट है, रेस्टरा है या फिर हॉस्पिटल है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, और यहाँ पर वेयर हाउस है, शोरूम है और कैफेटेरिया जो भी है वहाँ पर आप इसका यूज कर सकते हैं। और आपको बता दूँ काफ़ी बेहतर क्वालिटी का एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी का एक एयर कूलर आपको देखने को मिल जाता है, ये वाला जो सिम्फनी का है मोविकूल एल सीरीज़ का एयर कूलर। इसकी जो MRP है वो यहाँ पर आपको बता दूँ कि यहाँ पर लगभग 21,000 की यहाँ पर MRP है, बट इस एयर कूलर की जो एक्चुअल प्राइस है वो अभी आपको वैसे नहीं बता सकते क्योंकि अभी समर सीज़न स्टार्ट होना बाकी है। बाकी इसकी जो प्राइस है लगभग 15,000 to 18,000 के बीच में इसकी अप्रॉक्सली प्राइस हो सकती है। बाकी आप अगर आउटडोर के तौर पर यूज़ करना चाहें तो आप इस एयर कूलर को ले सकते हैं। बाकी इंडोर में इसकी नॉइज़ लेवल थोड़ी सी मुझे लगता है ज़्यादा हायर नॉइज़ होगी क्योंकि बड़ी साइज़ का एयर कूलर है। अभी आपको स्टार्ट करके भी हम बता देते हैं कि इसका नॉइज़ लेवल कितना हो सकता है या फिर कितना आवाज़ करेगा ये एयर कूलर, क्योंकि साइज़ बड़ी है तो थोड़ी आवाज़ भी इसकी ज़्यादा हो सकती है। वैसे ये ऑफ है अभी, एक पर है और नॉइज़ थोड़ी ज़्यादा है, ज़्यादा क्वाइट नहीं है। जो बेसिक रेगुलर जो कूलर होते हैं उससे थोड़ी सी इसकी नॉइज़ लेवल काफ़ी ज़्यादा है। और ये फर्स्ट है, सॉरी ये हाई पर है, ये मीडियम है और ये लो है। सबसे हाई पर इतनी नॉइस है, एयर थ्रो काफ़ी अच्छा है, ऑटो स्विंग सिस्टम भी आपको इसमें मिल जाता है, काफ़ी बड़ी साइज़ है उसके बावजूद ऑटो सिस्टम भी है, और एक ही की में आपको ऑटो स्विंग भी और पंप मोड भी आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बेहतर एक ऑप्शन आपको इस कूलर में मिलेगा। वैसे ब्रांड के हिसाब से देखें तो काफ़ी अच्छा और एक टिकाऊ ब्रांड हम बोल सकते हैं। तो ये था आज का रिव्यू, इस मोविकूल एल के बारे में रिव्यू था आज का। सिंपली रिव्यू हमने किया है, ज़्यादा कुछ टेक्निकली बोलने लायक होता नहीं है कूलर के अंदर। अगर मेरी राय बताएं तो कौन लोग इसको परचेज कर सकते हैं, जिनका इंस्टीट्यूट है या फिर कोई कोचिंग सेंटर वगैरह चलाते हैं, कोई कैटरिंग का काम है, बड़े टेंट का काम करता है, बड़े बड़े फंक्शन ऑर्गेनाइज करता है, वो इसका यूज़ कर सकता है। बाकी आप अपने पर्सनली रूम में इसका यूज़ नहीं कर सकते, आप अपने हॉल में यूज़ कर सकते हैं, पार्टी हॉल में कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं, बट पर्सनली रूम में इसका यूज़ नहीं कर सकते। नॉइस लेवल काफ़ी ज़्यादा है तो आप पर्सनली इसको बाय मत कीजिएगा। अगर आप एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं, बड़े हॉल में आउटडोर में आपको इसको लगाना है या फिर किसी भी फंक्शन के तौर पर इसको आप यूज़ करना चाहें तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है। मार्केट में जो लोकल ब्रांड के कूलर इतनी बड़ी साइज़ के मिलते हैं उसकी भी यही प्राइस होती है, बट ये एक ब्रांडेड है तो इसके हिसाब से इसकी प्राइस काफ़ी कम है। तो आज का छोटा सा रिव्यू था, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी वीडियो को डिस्क्रिप्शन आपको पूरी की पूरी डिटेल मिल जाएगी इस कूलर के रिगार्डिंग, इसके फीचर्स के रिगार्डिंग, कितनी स्पीड क्या है, कितने इसके बारे में जो टेक्निकली जो स्पेसिफिकेशन है सारे का सारा आपको डिटेल वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बाकी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।